जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो शैतान के हथकंडों से महफूज हो जाता है। इसलिए आयतुल कुर्सी को याद कर लीजिए और इसको वक्तन फक्तन पढ़ते रहा कीजिए। अब उस आयतुल कुर्सी के मजामीन को हम देखते हैं कि वो रिंग थ्योरी पे कैसे पूरी उतरती है। ये चंद मिसालें हैं जिनसे आप पूरा मजमून समझ लेंगे तो फिर बाकी कुरान मजीद के मजमून को समझना भी आसान होगा। देखें, उसके अगर टुकड़े किए जाए ना, है तो ये एक आयत, इसके टुकड़े किए जाए तो इसके नौ टुकड़े बनते हैं। पहला टुकड़ा है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहुल हय्युल क़य्यूम। दूसरा टुकड़ा है ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। तीसरा टुकड़ा है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। चौथा है मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। फिर पांचवा टुकड़ा है यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। फिर छठा है वला युहीतुन बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। फिर सातवां है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। फिर आठवां है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। और आखिरी टुकड़ा है वहुवल अलीउल अज़ीम। अब ये नौ टुकड़े बने, इनमें जो पांचवें टुकड़ा है ना वो टिक्का है, यानी वो असल पूरी आयत का लुबे लुबाब है, वो डायमंड है। जैसे रिंग डायमंड होती है, उसका असल रिंग होता है, रिंग का असल डायमंड होता है, इसी तरह इस पूरी आयत का जो असल डायमंड है वो ये पांचवीं आयत है। पांचवीं आयत अल्लाह के इल्म के बारे में है, वला युहीतुन बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अब अगर पांचवी आयत ये है तो बाकी आठ आयतें रह गई, तो चार एक तरफ और चार एक तरफ। अब आप पहली चार को देखें, उनका एक मजमून चलेगा और फिर पांचवें बाद वही मजमून उल्टा चल पड़ेगा। पहली आयत देखें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब इसमें जो असल मजमून है वो है हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह ताला हय और कय्यूम है, उसके अस्मा का ज़िक्र है इसमें। फिर दूसरा टुकड़ा आयत का ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इसमें जो अहम बात है वह ला ताखुज़ुहु, कि अल्लाह ताला को नींद भी नहीं आती, ऊंघ भी नहीं आती। फिर तीसरा है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो आसमान और जमीनों में है वो अल्लाह का है। फिर चौथा है मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। फिर पांचवा जो टुकड़ा है वो तो डायमंड हो गया ना दरमियान में, वला युहीतुन बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। फिर आगे जो सातवां है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। आप देखें कि सातवां जो है ये तीसरे के साथ मिलता है और जो छठे है वो चौथे के साथ मिलता है। चौथा था मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के इज्न के सिवा कोई शफात नहीं कर सकता। और जो छठा था वो था वला युहीतुन बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। तो इधर है इल्ला बिमा शाअ और उधर है इल्ला बिइज़्निही, तो मजमून एक जैसा हो गया ना। तो पांचवें के ऊपर वाली आयत का और नीचे वाली आयत का मजमून एक जैसा। फिर उससे ऊपर आ जाए लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये तीसरी आयत है। और यहां पर सातवीं आयत पे आ जाए वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, तो समावाति वल अर्द का मजमून यहां भी है और समावाति वल अर्द का मजमून ऊपर भी है। फिर दूसरा है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ला ताखुज़ुहु ये अहम है, समझने वाली बात है। तो दूसरी आयत में ला ताखुज़ुहु था और उधर आठवीं आयत में वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो मजमून एक जैसा हो गया, जो सिफत वहां है वैसी सिफत यहां है। फिर पहली सूरत थी वहुवल अलीउल वहुवल हय्युल क़य्यूम, और उधर आखिरी जो है सूरत, उस आखिरी जो टुकड़ा है उसमें आता है वहुवल अलीउल अज़ीम। तो हय्युल क़य्यूम जो अल्लाह की अस्मा बयान किए थे, तो आखिरी सूरत में भी अल्लाह के अस्माई बयान किए गए हैं। तो अगर आप देखें
तो दरमियान वाले टुकड़े के अलावा जितनी आयतें हैं सब एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ जुड़ी हुई है।